मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर हमेशा अपने अलग अंदाज से सुर्खियों में छाए रहते हैं। यही तरीका उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में अपनाया है। वो आम लोगों के साथ दुर्गा पंडाल में बैठ गए और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गाने लगे। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। वो वार्ड 20 के जनसंपर्क में थे, ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ रहे थे और क्षेत्र की जनता उनका तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत कर रही थी। रास्ते में बुजुर्ग महिला पुरुष या छोटी बच्ची दिख जाती तो आदत के मुताबिक वो उनके पैरों में ढोक लगा देते। जनसंपर्क के दौरान रानीपुरा मोहल्ले में देवी का पंडाल देखकर मंत्री जी अचानक रुक गए। उन्होंने माँ को प्रणाम किया और बैठ गए। इसके बाद मंत्री जी ने राम धुन गाना शुरू कर दिया। जब मंत्री जी ऐसा कर रहे थे तो उनके समर्थक कैसे चुप रहते, उन्होंने भी मंत्री के साथ गाना शुरू कर दिया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री जी का यह अंदाज क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौरतलब है कि प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पक्ष और विपक्ष के नेताओं में इन सीटों को जीतने की होड़ लगी हुई है। जहां बाकी नेता एक दूसरे को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर की जमकर तारीफ हो रही है। Yeah.